हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने बुद्धिज़्म टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें हमने बुद्धा की लाइफ के बारे में जाना, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, उनके सेक्ट्स, उनका लिटरेचर, ये सब कुछ पढ़ा, डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज़्म का ये भी जाना। तो बस आज हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, राइट? और ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट कम्प्लीट होगा। तो देखिए, जैनिज़्म के स्टार्टिंग में हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि जो ये जैन धर्म था, इसको फाउंड किसने किया था, इसके संस्थापक कौन थे। फाउंडेड बाय ऋषभनाथ, यानी जो ऋषभनाथ थे वो इसके संस्थापक थे, ठीक है। टोटल 24 तीर्थांकर्स, टोटल जो है 24 तीर्थांकर्स थे, या 24 प्रॉफिट्स कह लीजिए, 24 गुरु कह लीजिए, ऑल क्षत्रिय, जितने भी थे वो सब क्षत्रिय थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? जैनिज्म की बात कर रहे हैं। अब टोटल 24 गुरु थे, 24 तीर्थांकर थे, जिसमें से पहले कौन थे? ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ ही क्या रहे हैं? फाउंडर रहे हैं जैनिज्म के। अब देखिए, जितने भी ये आपको गुरु मिलेंगे या तीर्थांकर मिलेंगे, सबका अलग अलग एम्बलम है। एम्बलम मतलब चिन्ह है, ठीक है, एक सिंबल सा है जिससे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो वैसे ही ऋषभनाथ जो थे, इनका एम्बलम है बुल, एंड हिज रेफरेंस ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में मेंशन है ऋषभनाथ का। याद कैसे रखना है? आर आर से आप याद रख सकते हैं। बट नो हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द फर्स्ट 22 तीर्थांकर्स। बट अगर हम हिस्टोरिकल लेवल पे बात करें या हिस्ट्री देखें, तो हमें कुछ खास हिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिलेगी पहले 22 तीर्थांकर्स की, ठीक है। इसके बाद जो 23वें आते हैं, 24वें आते हैं, उनके बारे में हमें जानने के लिए मिलता है, राइट? अब आगे चलने से पहले 23rd तीर्थांकर के बारे में पढ़ने से पहले आपसे, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं, बस वही रिक्वेस्ट मैं आज की वीडियो में भी करूँगी कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, पेपर पेन उठाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें और नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं और टॉपिक्स को वैसे ही कवर करते हैं, चांसेस आर कि आप थोड़े टाइम बाद उसे भूल जाएंगे, राइट? तो देखिए, हम 23वें तीर्थांकर यानी 23वें गुरु के बारे में बात कर रहे थे, जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं। तो 23वें तीर्थांकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका एम्बलम, इनका चिन्ह, इनका सिंबल क्या था? स्नेक। स्नेक आप समझते हैं, सांप। सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस, बनारस के जो राजा थे अश्वसेन, उनके बेटे थे ये। हिज मेन टीचिंग्स, हिज किसकी? पार्श्वनाथ की मेन टीचिंग्स क्या थी? नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। तो ये सारे क्या थे? उनके अपने टीचिंग्स थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं टीचिंग्स को अपनाया था जो महावीर थे, जिनके बारे, जो मेन है, ठीक है, जैनिज्म के, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, प्लस उन्होंने एक और ऐड किया था इसमें, राइट? तो ये चार इंपॉर्टेंट है। किसकी टीचिंग्स थी ये? पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थांकर थे, उनकी टीचिंग थी। अब उसके बाद 24 तीर्थांकर कौन आए? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, इवन यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बारे में, जो 24वें तीर्थांकर हैं, वर्धमान महावीर, लास्ट तीर्थांकर, इन्हीं के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इनकी लाइफ के बारे में। जैसे कि आपको ध्यान होगा, बुद्धिज़्म में हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनके लाइफ, उनके मदर, उनके फादर, उनके वाइफ, वो सब पढ़ा, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने घर छोड़ा, एनलाइटमेंट अचीव की, उनकी डेथ हुई, वो सब हमने पढ़ा, उनकी प्रॉपर हमने लाइफ के बारे में पढ़ा। वैसे ही हम वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इनका एम्बलम यानी सिंबल पता होना चाहिए, चिन्ह पता होना चाहिए, वो था लायन। जो पहले तीर्थांकर थे ऋषभनाथ, उनका एम्बलम था बुल। जो 23rd तीर्थांकर थे पार्श्वनाथ, उनका एम्बलम था स्नेक। जो 24th यानी कि लास्ट तीर्थांकर थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं, वर्धमान महावीर, इनका एम्बलम है लाइन, राइट? नाउ द 24th तीर्थांकर, 24 तीर्थांकर्स वर डिस्टिंग्विश्ड विद ईच अदर बाय देयर एम्बलम्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी कि जो 24 के 24 तीर्थांकर हैं, ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं या अलग अलग किए जाते हैं इनके एम्बलम के थ्रू, इनके चिन्ह के थ्रू, इनके सिंबल्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे कल्प सूत्र के बारे में, जो कि रिलीजियस टेक्स्ट है जैन्स का। बट इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है,
जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, राइट। वैसे तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, कोई और कोर्स आप साथ में कर रहे हैं, टाइम का इशू है, तो उस केस में आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। फाइन, हम बात करते हैं कल्पसूत्र के बारे में। सो कल्पसूत्र क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैन, जो जैन है उनका रिलीजियस धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हमारा है ना गीता है, भगवत गीता, रामायण है, महाभारत है, उसी तरह से उनका जो इनका जैन जो है उनका धार्मिक ग्रंथ है कल्पसूत्र। इट मेंशंस द लाइफ स्टोरीज ऑफ 24 तीर्थांकर्स, जो 24 तीर्थांकर हैं, गुरु हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में इसमें मैंशन है। मैंशंस द फर्स्ट तीर्थांकर टू बी ऋषभनाथ, और कल्पसूत्र में भी ये लिखा गया है कि जो पहले तीर्थांकर थे, पहले प्रॉफिट थे, पहले गुरु थे, वो कौन थे? वो थे ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ के बारे में और क्या कहा गया है? सेट टू एग्जिस्ट बिफोर IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के होने से पहले एग्जिस्ट करते थे ऋषभनाथ, ये लिखा गया है कल्पसूत्र में। इन भगवत पुराण ही इज रेफर टू एज लॉर्ड विष्णु, इन्हें लॉर्ड विष्णु भी माना गया है भगवत पुराण में, राइट। और क्या कहा गया है ऋषभनाथ के बारे में, अब एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, इनका सिंबल क्या है या इनका एम्बलम क्या है, वो है बुल, और ये फाउंडर हैं किसके? जैनिज्म के। So it is believed that the name of the Brahmi script is inspired by his daughter's name. हम पढ़ते हैं ना ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ऐसा माना जाता है कि इसका नाम जो है ऋषभनाथ की बेटी के नाम पे इनसे इंस्पायर किया गया, मतलब इनकी बेटी का नाम ब्राह्मी था इसलिए स्क्रिप्ट का नाम ब्राह्मी स्क्रिप्ट रखा गया है, ठीक है। तो देखिए हमारा छोटा सा एक वीडियो था, छोटा सा कंटेंट था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जैनिज्म के लिए, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 24th हमारे जो तीर्थांकर हैं वर्धमान महावीर, इनके बारे में, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, अब अगर आप चाहें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अपने अकाउंट का, तो वहाँ जाकर आप मुझे अभी के अभी फॉलो करें। प्लस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, और आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें, सो दैट जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, तो उन्हें भी इन नोट्स के थ्रू बेनिफिट हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है वर्धमान महावीर के बारे में, तो या आप तैयार रहें अपना पेपर पेन लेके। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।